हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 18 पार्ट टू। और इस वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि एम्प्लॉयमेंट की कितनी कैटेगरी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने तरह का होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर टॉपिक से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, जैसा कि हमने क्लास नंबर 17 में पढ़ा था, ये क्लास नंबर 17 पार्ट वन है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यूज़ करके, इस अप्रोच को यूज़ करके, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यूज़ करके जब हम इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल जहाँ पर वो आउटपुट डिसाइड होता है, वो इनकम डिसाइड होती है जिस आउटपुट पे लोग कंजम्पशन के लिए प्लान कर रहे हैं और कंपनी गुड्स को सप्लाई करने के लिए प्लान कर रही है। जैसे कि यहाँ पे 300 करोड़ रुपए का जो इनकम का लेवल है, ये 300 करोड़ रुपए वो वैल्यू है जितनी वैल्यू के लिए लोग प्लान कर रहे हैं कंजम्पशन करने का, कि 300 करोड़ की गुड्स को हम खरीदेंगे। और फर्म प्लान कर रही है कि हम भी 300 करोड़ के बराबर गुड्स लोगों को सप्लाई करेंगे जो वो चाहते हैं कंज्यूम करना। तो यहाँ पर उनके सप्लाई और डिमांड को देखते हुए जब फर्म प्रोडक्शन करना चाहेगी तो प्रोडक्शन के लिए कंपनी को क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट का लेवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम लेवल पर 300 करोड़ पर जो एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, 30 करोड़, इसका मतलब 300 करोड़ की आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए पूरी कंट्री में 30 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, और इसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इस फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंट्री में अभी भी लोगों को सबको रोज़गार मिल गया है, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। क्योंकि देखिए, अगर मैं 300 करोड़ से एम्प्लॉयमेंट 300 करोड़ से अगर मैं आउटपुट को बढ़ाकर 400 करोड़ पे ले आता हूँ तो 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट और भी लोगों को मिल सकती है। 500 करोड़ से मैं 400 से अगर मैं 500 करोड़ पे इनकम को बढ़ाता हूँ, आउटपुट को बढ़ाता हूँ, इनकम मतलब आउटपुट मतलब प्रोडक्शन करना, तो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट 10 करोड़ और भी बढ़ सकता है। फिर 600 करोड़ पे 10 करोड़ और भी बढ़ सकता है। इसका मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ा कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके। लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम लेवल निकालते हैं एम्प्लॉयमेंट का, वो कहते तो फुल एम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसका ये कभी मतलब नहीं होता कि देश में बेरोजगारी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का कि लोगों को रोज़गार मिल गया है कंपनी के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो ये बात हमने क्लास नंबर 18 पार्ट वन में भी पढ़ी थी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के बिल्कुल बराबर होता है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं एम्प्लॉयमेंट के टाइप की। एम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, वो सभी लोग जो काम के लिए तैयार हैं, अबव 18 हो चुके हैं, मतलब एज जितनी एज जरूरत होती है काम करने की उस एज को क्रॉस कर चुके हैं और उनको काम की नॉलेज भी है, काम के लिए तैयार भी हैं, और जिस वेज रेट पे जो मार्केट में काम मिल रहा है उस पे वो काम कर भी रहे हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, उनको कोई परेशानी नहीं आ रही और वो जॉब पे लगे हुए हैं, जहाँ जॉब मिली है वहाँ पर जॉब कर भी रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो लोग काम करना चाहते हैं, जो एबल है और विलिंग हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर भी काम करने को तैयार है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है, उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि चाहते हुए भी, मतलब कि वो जॉब करना चाहते हैं, एबल भी हैं, विलिंग भी हैं और वेज रेट भी उनको सही है, वेज रेट पर भी काम करने के तैयार है जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, कभी कभी स्लाइटली आ जाता है टेम्परेरी बेसिस पर। इनवॉलेंट्री का मतलब तो ये हो गया कि जॉब है ही नहीं, खाली बैठे हुए लोग काम के लिए तैयार है लेकिन जॉब ही नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दो कैटेगरी होती हैं लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पर होती हैं। सबसे पहला है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर लीव वन जॉब टू जॉइन अनदर जॉब्स। मतलब जब एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ के दूसरी किसी कंपनी में जॉब करने चला जाता है तो थोड़ा बहुत जो कुछ दिनों का अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी में एक मशीनरी है या एक फैक्ट्री है जो अचानक से बंद हो गई, मशीनरी में खराबी आ गई या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस दौरान
वहाँ के वर्कर ने वहाँ की कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और बीच में वो 10 दिन अनएम्प्लॉयमेंट रहा, 10 दिन वो जॉब नहीं मिल पाई उनको, लेकिन 10 दिन के बाद मिल गई। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी भी फैक्ट्री में ब्रेक डाउन आने की वजह से या किसी भी कंपनी में नई मशीनरी इंट्रोड्यूस होने की वजह से, कई बार कंपनी में नई मशीनरी आ जाती है तो वो नई मशीनरी बेसिकली क्या होती है, मान लीजिए पुरान जो वर्कर है उनको पुरानी मशीनरी चलाने आती है, नई मशीनरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उनको वो मशीनरी चलाने नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि नुकसान ना हो जाए तो उन्होंने कंपनी को स्किप कर दिया, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस ही मॉडर्नाइज हो जाए, बिल्कुल नई टेक्निक आ जाए, बिल्कुल नए सिरे से आ जाए। अब देखिए फ्रिक्शनल में तो क्या है कि मशीनरी हालांकि वो वर्कर चला लेते लेकिन उनको चलाने में थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही थी, ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जितना उनके पास समय नहीं था, तो उसे तो बोलते हैं फ्रिक्शनल। जहाँ पर वो काम कर सकते थे लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग को अवॉइड करने की वजह से या समय के बर्बाद होने की वजह से अपना उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि बिल्कुल एक पहलू ही चेंज हो जाता है, एक सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, एक मॉडर्नाइजेशन ही आ जाती है जिसमें लोगों को काम ही नहीं आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। मान लीजिए कंपनी ने अपना सारा का सारा मैनुअल काम जो है वो मैनुअल काम ख़त्म करके कंप्यूटराइजेशन पे स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कंपनी में एक अकाउंटेंट है जिसको मैनुअली काम आता है, जनरल एंट्री पास करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, लेकिन अब जितना भी सारा मैनुअली काम होता था अकाउंटिंग का वो सारा टैली पे आ गया। अब उस पर्सन को कंप्यूटर नहीं आता, उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की डेफिनेशन या कंप्यूटर में यूज़ होने वाले कीबोर्ड माउस या उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो उसको बिल्कुल नहीं आते, ना उसने कभी सीखे हैं। तो कंप्यूटराइजेशन होने की वजह से अब कंपनी चाहती है कि हमें ऐसे वर्कर चाहिए स्पेसिफिक जिनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जिनको टैली चलाने आता हो, और कंपनी में जो काम करने वाले वो लोग जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है अब उनके लिए जॉब पे खतरा। हालांकि वो जॉब कहीं और भी मिल जाएगी लेकिन एक नए मॉडर्नाइज की वजह से, एक पूरे नए सिस्टम की वजह से अब क्या हो रहा है कि कंपनी जो वर्कर चाह रही है वो कंपनी को मिल नहीं पा रहे हैं और जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको वैसा काम मिल नहीं पा रहा जो कंपनी ने नए काम की शुरुआत की है। तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कंपनी के द्वारा जो सर्विसेज कंपनी ने यूज़ कर रही है, जो कंपनी रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, उन रिसोर्सेज को ही कंपनी ने मॉडर्नाइज कर दिया, उन रिसोर्सेज को ही कंपनी ने बदल दिया, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स जो कि हमारे कंट्री में हम देखते हैं आमतौर पर, जब हम कंट्री में आउटपुट या इनकम को जब हम आपस में रिलेट करते हैं तो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट हमारे सामने नज़र आते हैं। तो ये था आपका एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और उसके अलग अलग टाइप्स। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।